तो स्टूडेंट्स, आज हम पार्शियल डेरिवेटिव्स का लास्ट पॉइंट है अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशंस, इसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन रहेगा। तो आप देखिए, दिस इज अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन। आज हमारा जो पार्ट आर्टिकल है आज का, वो अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन पर डिपेंड करता है। और ये बीएससी और बीटेक दोनों जो स्टूडेंट्स हैं, बीटेक फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर और बीएससी के फर्स्ट ईयर बच्चों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है, इसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो मान लेते हैं, माना लेट यू इज इक्वल टू एफ एक्स वाई इज अ फंक्शन ऑफ टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एक्स एंड वाई। पहली बात तो ये। दूसरा ये है कि यदि हम एक्स में स्मॉल चेंज करते हैं डेल्टा एक्स का, और वाई में भी स्मॉल चेंज करते हैं डेल्टा वाई का, तो U में जो चेंज आने वाला है, जब X में डेल्टा X का चेंज किया, Y में डेल्टा Y का चेंज किया, तो U में जो करस्पॉन्डिंग चेंज हमें मिलने वाला है, मान लेते हैं वो डेल्टा U है। नाउ डेल्टा U इक्वल टू क्या होगा, U प्लस डेल्टा U माइनस U। हमारे पास U प्लस डेल्टा U क्या है, एफ एक्स प्लस डेल्टा X y प्लस डेल्टा वाई माइनस एफ ऑफ एक्स वाई। यदि हम इसको टेलर थ्योरम से एक्सपेंड करते हैं, इसको टेलर थ्योरम से एक्सपेंड करते हैं, तो आपको मिलेगा एफ एक्स वाई प्लस डेल एफ अपॉन डेल एक्स डेल्टा एक्स प्लस डेल एफ अपॉन डेल वाई डेल्टा वाई। और इसकी सेकेंड ऑर्डर एंड हायर ऑर्डर की टर्म चलती रहेंगी, हमने उनको नेग्लेक्ट कर दिया है, माइनस एफ एक्स वाई। अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन है, यहां से एफ एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा, तो आपको मिलने वाला है डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल एफ अपॉन डेल एक्स डेल्टा एक्स एंड डेल एफ अपॉन डेल वाई डेल्टा वाई। ये हमारे पास अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन निकल के आता है। यदि आपने x और y में डेल्टा x डेल्टा y का चेंज किया है, तो u में जो चेंज मिलने वाला है उस चेंज को हम क्या कहते हैं। तो यहाँ पर अपन सेकंड पेज लेते हैं। तो यहाँ एक महत्वपूर्ण बात निकल के आती है, आपने कहा डेल्टा u, डेल्टा u का मतलब क्या होता है, अप्रोक्सीमेट चेंज इन u। पहली बात तो ये है, डेल्टा यू अपॉन यू इज कॉल्ड रिलेटिव चेंज इन यू। एंड थर्ड पॉइंट है, डेल्टा यू अपॉन यू इंटू 100 इज कॉल्ड परसेंटेज चेंज इन यू। यहां तीन बातें महत्वपूर्ण हैं, डेल्टा यू इज द अप्रोक्सीमेट चेंज इन यू, डेल्टा यू अपॉन यू इज द रिलेटिव चेंज इन यू, एंड डेल्टा यू अपॉन यू into 100 is known as percentage change in u। एक अपन यहाँ नोट डालना चाहें तो कह सकते हैं कि यदि हमारे पास जो फंक्शन u है वो थ्री इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स x, y और z का है, then this delta u, approximate change in u can be represented by ये हमारे पास है। तो ये हमारे पास एक अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन के लिए एक आइडिया था, कि हमारे पास अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन का ये थ्योरेटिकल पार्ट आपने दो पेज देखे हैं, फर्स्ट पेज सेकंड पेज। तो कहता है डिस्कस द अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन, तो हम इन दो पेजेस को यहाँ बता सकते हैं, कॉपी में लिख सकते हैं आंसर शीट में अपने में, कि अप्रोक्सीमेट चेंज होता क्या है, रिलेटिव चेंज क्या होता है, और परसेंटेज चेंज इन यू क्या होता है। ये हमारे पास महत्वपूर्ण बात थी। अब हम एक क्वेश्चन करते हैं इसी इसके बेस पर, अप्रोक्सीमेट एरर से। हमारे पास एक क्वेश्चन है जो कि अक्सर एग्जाम में आता है, उस क्वेश्चन को हम लिखना चाहें तो लिख लेते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास,
हमारे पास एक क्वेश्चन है, उसको हम लिख लेते हैं यहाँ। और क्वेश्चन हमारे पास है, इफ मेजरमेंट ऑफ रेडियस ऑफ बेस, इफ इफ मेजरमेंट मेजरमेंट ऑफ रेडियस रेडियस ऑफ बेस एंड हाइट ऑफ राइट सर्कुलर कोन, हमारे पास एक राइट सर्कुलर कोन है, उसकी जो रेडियस है, बेस का रेडियस है और हाइट है, आर सर्कुलर कोन आर इनकरेक्टेड इनकरेक्टेड इनकरेक्ट बाय -1% एंड 2% रेस्पेक्टिवली। जो बेस रेडियस में जो इनकरेक्शन आया है, इनकरेक्ट रेडियस ने मेजर की, वो -1% की किया है, और हाइट में जो हमने गलती की है, एरर की है, वो 2% की है। देन वो क्वेश्चन पूछना चाहता है, देन फाइंड द एरर, देन फाइंड द एरर इन वॉल्यूम। अब आप इस क्वेश्चन को एक बार समझ लें और उसको हम बाद सॉल्व करेंगे। वो कहता है आपके पास एक राइट सर्कुलर कोन है, ये आपके पास हम कह सकते हैं, ये आपके पास एक राइट सर्कुलर कोन हो गया, ये हमारे पास एक राइट सर्कुलर कोन है, ये इसकी हाइट है और ये इसका रेडियस है, इसको हम एच लिखते हैं और इसको हम रेडियस लिखते हैं। तो आप कह रहा है कि जो आपने मान लेते हैं, तो वॉल्यूम क्या होगा इस राइट सर्कुलर कोन का, वॉल्यूम क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच होगा, इस राइट सर्कुलर कोन का जो वॉल्यूम होगा पाई आर स्क्वायर एच होगा। यहाँ आर क्या है, रेडियस है बेस का, बेस सर्किल का, और एच इस कोन की हाइट है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो आपने रेडियस में जो एरर की है, हम डेल्टा एच रिप्रेजेंट करते हैं, तो क्या किया है आपने, 1% की किया है। 1% इसका मतलब क्या होता है, -1/100 आर, जो आपका आर में मेजरमेंट आपने किया है, डेल्टा आर जो एरर की है वो -1% की, इसका मतलब क्या हुआ, R/100। और जो आपने इसकी हाइट में जो आपने गलती की है, डेल्टा एच, आपने इसकी हाइट को ऐसे नोट किया, वो कितनी की है, 2% की चेंज किया है, इसका मतलब क्या होता है, 2/100 h। ये आपके पास दो मेजरमेंट्स हैं। अब यदि आप वॉल्यूम में, यदि डेल्टा आर चेंज है, एरर है रेडियस में, डेल्टा एच एरर है हाइट में, तो मान लेते हैं वॉल्यूम में कितना एरर आएगा, ये हमें कैलकुलेट करना है, जो वॉल्यूम आ रहा है डेल्टा भी कितना होगा, ये हमें निकालना है। यदि हम इसको निकालना चाहें तो एक बार हम उसको ब्राउजर कर लेते हैं और आप नेक्स्ट पे लेते हैं। तो यहाँ आपको बताया है अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन से डेल्टा वी इज इक्वल टू होगा डेल्टा वी अपॉन आर, क्योंकि जो आपका वॉल्यूम है वो दो वेरिएबल्स का फंक्शन है, आर का और एच का, रेडियस का और हाइट का, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एच इंटू डेल्टा एच, ये आपके पास मिलने वाला है। जब आप बी को आर से डिफ्रेंशिएट करेंगे, देखिए वॉल्यूम है, वॉल्यूम का आप आर से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 2 पाई आर एच। आपने वॉल्यूम को बी को डिफ्रेंशिएट किया है पार्शियली आर के साथ, यहाँ डेल्टा आर आ जाएगा, प्लस आप चाहें तो यहाँ डेल्टा आर को पुट कर सकते हैं, डेल्टा आर आपने निकाला हुआ है, डेल्टा आर कितना है हमारे पास, डेल्टा आर है -R/100 है, प्लस यदि आप वॉल्यूम को एच से डिफरेंशिएट करते हैं पार्शियली तो आप क्या मिलेगा, पाई आर स्क्वायर एच मिलेगा। तो आपके पास है यहाँ पाई आर स्क्वायर, आपने एच से डिफरेंशिएट कर दिया वॉल्यूम को, और एच कितना है, एच है आपका 2%, 2H/100 है। आप इसको सॉल्व करते, देखिए यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से पाई कॉमन आ रहा है, आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है, एच कॉमन आ रहा है, और आप कह सकते हैं 100 भी कॉमन आ रहा है, और आप कह सकते हैं 2 भी कॉमन आ रहा है। अब क्या मिला यहाँ से, 2 पाई आर स्क्वायर एच, तो यहाँ से आपको मिलेगा -2 और यहाँ से मिलेगा आपको 2 इज इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, जो
एरर आप मेजरमेंट में कर रहे हैं रेडियस और हाइट में, तो वॉल्यूम में जो आपके पास एरर मिलने वाला है वो जीरो एरर आएगा। ऐसी स्थिति में क्या आएगा? जीरो एरर आएगा। इसको बोलते हैं आप अप्रोक्सीमेट एरर, अप्रोक्सीमेट एरर इन वॉल्यूम, अप्रोक्सीमेट एरर इन वॉल्यूम है। यदि आपसे कहा जाए डेल्टा वी अपॉन वी क्या हो जाएगा? रिलेटिव एरर हो जाएगा, रिलेटिव एरर इन वॉल्यूम है। और डेल्टा वी अपॉन वी इंटू 100 क्या हो जाएगा? परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम। ये आपके पास महत्वपूर्ण क्वेश्चन था जिसे हमने सॉल्व किया है यहाँ। और यदि आपको ये लेक्चर सीरीज समझ में आ रही है तो आप कमेंट करें, चैनल को लाइक करें और संभवतः चैनल को सब्सक्राइब भी करें, जिससे कि हमारे नए वीडियो जो आपको रेगुलर मिल रहे हैं उन तक आप आसानी से आपको मिल जाए, आपके पास नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। तो अब इसके बेस पर हम एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं जो आरटीयू एग्जामिनेशन और आरयू एग्जाम दोनों में काफी पूछा गया है, उसको हम एक क्वेश्चन और लिख के चलते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर टू। ये एग्जाम में क्यों पूछा गया है? द पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज टी, द पीरियड ऑफ ए सिंपल, आपका पेंडुलम है, फिजिक्स में आपको आइडिया होगा, पेंडुलम इज पीरियड, आवर्तकाल, टी इज 2 पाई स्क्वेयर रूट एल अपॉन जी है। फाइंड द मैक्सिमम एरर, देखिए क्वेश्चन आ रहा है फाइंड द मैक्सिमम, या मैक्सिमम के बारे में बात कर रहा है, मैक्सिमम एरर, हमें एरर फाइंड करनी है, एरर इन टी, टी क्या है? पीरियड, ड्यू टू पॉसिबल, ड्यू टू पॉसिबल एरर अप टू 1%, 1% इन एल, एल में जो लेंथ है उसमें जो परसेंटेज एरर है वो आपने क्या किया है? 1% किया है, एंड 2.5% इन जी, ग्रेविटेशनल फोर्स। जो आपके पास दो नंबर्स हैं, क्वांटिटीज हैं एल और जी, उनमें जो आपने एरर की है वो 1% की है और 2.5% की है, मेजरमेंट करने में एल और जी को, तो हमें निकालना है कि इसमें मैक्सिमम एरर कितनी होगी, टी में मैक्सिमम एरर कितना आएगा इन दो रीजन्स की वजह से, दो क्वांटिटीज में एरर की वजह से, जो टी है टाइम है, टाइम पीरियड, पीरियड है उसका पेंडुलम का, उसमें क्या चेंज आएगा। तो आप इसे सॉल्व करते हैं, तो सबसे पहले तो देखिए आपको दे रखा है टी इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वेयर रूट एल अपॉन जी दिया हुआ है। या एक बात है, यदि लेंथ में जो आप एरर कर रहे हैं वो देखिए माइनस प्लस देने रखा है, अप टू क्या रखा है? नेगेटिव डायरेक्शन में कर रखा है, पॉजिटिव डायरेक्शन कर रखा है, यहाँ वर्ड यूज किया है मैक्सिमम एरर का। तो मान लेते हैं आपने जो एरर की है वो 1% की है, इसको 1 मिनट के लिए पॉजिटिव मान लेते हैं, तो 1/100 एल जो लेंथ में आपने मेजर करने में दर की थी, और जो डेल्टा जी है वो है 2.5%। ये क्या किया आपने? जी को मेजर करने में किया है, तो 2.5/100 जी, ये आपके पास एरर्स हैं। पॉजिटिव नेगेटिव का हमें आइडिया नहीं है, आगे देखते हैं कैसे इसको डिसाइड करेंगे। आगे चलते हैं, इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। यहां आपको दे रखा, देखिए टी इज इक्वल टू दिया हुआ है 2 पाई रूट एल अपॉन जी। हम ये दोनों साइड में लॉग ले लेते हैं, लॉग लेते हैं हम दोनों साइड का, लॉग ऑफ टी इज इक्वल टू लॉग ऑफ 2 पाई प्लस हाफ लॉग ऑफ एल मिल जाएगा, लॉग की प्रॉपर्टी आप जानते हैं, माइनस हाफ ऑफ लॉग ऑफ जी मिल जाएगा। ये आपके पास क्वेश्चन है, आपको कंसेप्ट क्या यूज करना है? आपको एरर फाइंड करनी है पीरियड में, तो डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल टी ओवर डेल्टा एल, डेल्टा एल डेल टी अपॉन डेल्टा जी, डेल्टा जी सॉरी डेल्टा ये जी होगा, ये आपके पास है। तो सबसे पहले हमें डेल्टा टी अपॉन एल को यदि हम वैल्यूएट करना चाहें तो यहां से आपको क्या मिलेगा? चलिए इसको अलग से कर लेते हैं, एक बार हम एक बार कर लेते हैं इसे, इस तरह से करते हैं, सॉरी
देखिए इसको यदि हमें डेल्टा टी अपॉन एल फाइंड करना है, तो इस इक्वेशन को हम जो भी वन नंबर का इक्वेशन है इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे एल के रेस्पेक्ट में पार्शियली। जब आप इसको एल से डिफ्रेंशिएट करेंगे पार्शियली तो वन अपॉन टी लॉग का डेरिवेटिव और डेल्टा टी अपॉन डेल एल इज इक्वल टू, देखिए 2 पाई का 0 हो जाएगा लॉग 2 पाई का, इसका मिलेगा आपको 1/2। आप एल इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो 1/L और इसका हो जाएगा 0। तो यहाँ से ये निकल के आता है कि डेल्टा टी अपॉन डेल एल इज इक्वल टू है 1/2 टी अपॉन एल। दूसरी बात, और इसी तरह से हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं किसके रेस्पेक्ट में निकालना है, डेल टी अपॉन डेल जी निकालना है, तो डेल टी अपॉन डेल जी जो आएगा डिफ्रेंशिएट कर लेंगे अपन तो आपको मिलेगा -/2 टी अपॉन जी। इन दो वैल्यूज को हम पुट करते हैं, जब इन दो वैल्यूज को हम पुट करेंगे तो आपको मिलेगा डेल टी इज इक्वल टू, डेल टी अपॉन डेल एल क्या है देखिए यहां पुट करेंगे तो 1/2 टी अपॉन एल, 1/2 ये हमारे पास है 1/2 टी अपॉन एल डेल्टा एल प्लस -1/2 टी अपॉन जी डेल्टा जी। आपको मिलेगा यहाँ डेल्टा एल कितना है 1% का है, तो आपको मिला यहाँ पर 1/2 टी अपॉन एल, डेल्टा एल 1% था तो एल अपॉन 100 -1/2 टी अपॉन जी, और ये आपके पास था 2.5%, तो ये आपके पास था 2.5 अपॉन 100 जी। देखिए यहाँ जी से जी कैंसिल हो जाएगा और यहाँ एल से एल कैंसिल हो जाएगा। देखिए एक बार अपन देख लेते हैं, ये आपको मिल रहा है देखिए 1/2 मिल रहा है, यहाँ से टी कॉमन निकाल लेते हैं राइट साइड से और डिवाइड कर देते हैं, देखिए ये आपके पास आया ½ 200 -2.5 अपॉन 200, ये आपके पास है। यहां हमें डिस्कस करना है कि करना क्या है कि ये आपके पास एक फर्स्ट राउंड में आपको लग रहा है ऐसे निकल के आएगा, लेकिन यहाँ इंपॉर्टेंट है उसने क्वेश्चन में मैक्सिमम एरर के बारे में बात की थी, उसने ये नहीं कहा था कि इसमें नेगेटिव एरर पॉजिटिव एरर है क्या है, मैक्सिमम एरर के बारे में बात की है। तो हम ऐसा करते हैं कि यहां पर जो साइन आएगा वो हम प्लस माइनस का लगा लेते हैं, और यहां पर भी जो साइन है उस साइन को भी हम प्लस और माइनस लगा देते हैं। अब मैक्सिमम एरर करने के लिए हमें मैक्सिमम एरर फाइंड करनी है, तो हमें इसको यहाँ एज्यूम करना पड़ेगा कि ये दोनों ही सेम साइन के हैं। यहाँ आपको थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है समझने में, लेकिन आप कंसेप्ट को पकड़ेंगे तो निश्चित रूप से आएगा। वर्ड है मैक्सिमम एरर, देखिए हम दोबारा कर लेते हैं इसे, वर्ड आ रहा है मैक्सिमम एरर का, मैक्सिमम एरर के बारे में बात कर रहे हैं आप, ये आपके पास माइनस था तो यहाँ पर आपको साइन माइनस प्लस, तो यहाँ पर आपको मैक्सिमम एरर फाइंड करनी है तो 1/2 200 आ जाएगा, और इसको प्लस लेंगे माइनस माइनस प्लस दोनों साइन पॉजिटिव ले लेंगे तो 2.5 अपॉन 200, इसका मतलब होता है 3.5 अपॉन 2 × 1/100, और यहां से आपको निकल के आता है डेल टी अपॉन टी इंटू 100 इज इक्वल टू 1.75। इसका मतलब क्या हुआ आप जानते हैं, डेल टी अपॉन टी इंटू 100 क्या है परसेंटेज एरर, तो जो आपसे गलती हुई है इसको एरर को मेजर करने में पीरियड को वो कितनी आएगी 1.75% आएगी। ये आपके पास क्वेश्चन था, और यहाँ आपको कोई डाउट नहीं करना है, उसने वर्ड यूज किया है मैक्सिमम तो आपको मैक्सिमम एरर काउंट करनी है, ठीक है ना, मैक्सिमम कितना आप चेंज कर सकते, कितना इसमें एरर आएगा यहाँ मैक्सिमम बताना है, इसलिए हमने दोनों पॉजिटिव लिया है क्योंकि हमने यहाँ पर
जो क्वेश्चन था वहां पर हमने जो एरर थी उसको पॉजिटिव ले लिया है। यदि नेगेटिव डायरेक्शन में अगर होती तो क्या होता, रिजल्ट पॉजिटिव ही आता। मैक्सिमम एरर का जब वर्ड था इसलिए हमने यहाँ साइन को चेंज किया है, अगर मैक्सिमम वर्ड नहीं होता तो हम क्वेश्चन को इस पैटर्न पर करते। आई थिंक समझ में आ रहा होगा आपके में। अब हम एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, इसको आप देखिए, ये क्वेश्चन नंबर थर्ड है। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन आपके पास है, इवेल्युएट फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ 3.82 स्क्वेयर प्लस 2 इंटू 2.1 होल क्यूब 1/5। क्वेश्चन है यूजिंग द अप्रोक्सीमेशन, यूजिंग द थ्योरी ऑफ अप्रोक्सीमेशन, थ्योरी ऑफ अप्रोक्सीमेशन को यूज करते हुए हमें इसको एवेल्युएट करना है। तो हमारे पास यहाँ पर वर्ड कहा गया है, वैसे हो सकता है हम कैलकुलेटर से कर लें, इससे उससे कई वैसे से कर सकते हैं, लेकिन थ्योरी ऑफ अप्रोक्सीमेशन यूज करना है। तो अप्रोक्सीमेशन की थ्योरी क्या कहती है, लेट माना आपने मान लिया एक्स एक वेरिएबल है, इसकी वैल्यू आपने 4 मान ली, बाई सेकेंड वेरिएबल है और आपने उसकी वैल्यू मान ली 2, तो यहाँ पर डेल्टा एक्स कितना आएगा। डेल्टा एक्स आपने मान लिया 3.82 की वैल्यू निकालनी है आपको, तो -4 इज इक्वल टू -0.18, और जो डेल्टा वाई हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, ये 2.1 है एक्चुअल में, तो आपने कितना माना है 2 माना है, तो ये आपके पास आ गया 0.1। और ऐसा करने के बाद जो आपके पास फंक्शन बना वो एफ एक्स वाई बना, दो वेरिएबल्स में बना, कौन कौन से वेरिएबल्स में बना, एक्स स्क्वेयर एक्स में और बाई में, 2 बाई क्यूब होल 1/5, इस तरह से आपने क्वेश्चन बना लिया। अब आप चाहो तो इसमें थ्योरी ऑफ अप्रोक्सीमेशन ला सकते हैं। थ्योरी ऑफ अप्रोक्सीमेशन क्या कहेगी कि डेल्टा यू इज इक्वल टू क्या होगा, डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल्टा एक्स प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई और ये आपका डेल्टा वाई, इससे आप अप्रोक्सीमेशन थ्योरी को यूज कर सकते हैं यहाँ पर। और यदि हम इसी थ्योरी को यूज करते हैं तो आपको नेक्स्ट पेज मिलेगा। देखिए यहाँ पर आपको डेल यू अपॉन डेल एक्स कितना आ जाएगा, डेल यू अपॉन डेल एक्स आ जाएगा। देखिए ये आपके पास मैं बता दूंगा आपको, ये एक्स के रेस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, आपके पास एक्स स्क्वेयर प्लस 2 बाई क्यूब है और होल 5 पावर 1/5 है, तो आपको देखिए पहले आप पावर डिफ्रेंशिएट करेंगे 1/5 एक्स स्क्वेयर प्लस 2 बाई क्यूब माइनस 4/5, ये तो आपको डेरिवेटिव पावर का, अब करना है अंदर ब्रैकेट को तो 2x मिल जाएगा। इज दैट क्लियर। और आप यदि यहाँ पर ही इवेल्युएट करना चाहें तो देखिए 1/5 हो गया, ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 2 बाई कितना है, 2 होल माइनस 4/5 इंटू 2 इंटू 2, सॉरी इंटू दिस इज नॉट 2 दिस इज 4, एक्स इज इक्वल टू 4, और रिजल्ट आपको मिल के आएगा इसका करने के बाद, आपको रिजल्ट मिलेगा 1/10, 1/10। डेल्टा यू अपॉन डेल वाई आप निकालेंगे तो आपको मिलेगा 1/5 एक्स स्क्वेयर 2 बाई क्यूब माइनस 4/5 इंटू 6 बाई, आप वैल्यू पुट करते हैं 1/5 एक्स स्क्वेयर 16 प्लस 16 माइनस 2/4/5 इंटू 2 6 इंटू 2, और इसको सॉल्व करते तो आपको मिलता है 3/10, ये आपके पास वैल्यू आ गई। देखिए दो वैल्यू जो आई है, डेल यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू 1/10 है और ये वैल्यू आपके पास 3/10 है। आपको करना क्या, वैल्यू पुट करनी है डेल्टा यू अपॉन डेल्टा एक्स कितना है आपको पता ही है,
डेल्टा भी पता है, सारी वैल्यूज आपके पास में। तो आप जब यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, आप पर नेक्स्ट पेज लेते हैं, हमारे पास एक्चुअल में क्या था, डेल्टा यू इज इक्वल टू था डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल्टा एक्स प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई, डेल्टा वाई था। डेल यू अपॉन डेल एक्स कितना आया था, 1/10, और डेल्टा एक्स कितना था, माइनस 0.18 था। ये था हमारे पास 3/10, और ये था हमारे पास 0.1। इस सारे को आप सॉल्व करते हो तो आपको डेल्टा यू मिल जाएगा 0.012। ये आपका चेंज आया। इस कंडीशन में थ्री आपको कैलकुलेट करना था 3/3.82 स्क्वेयर, प्लस अपने पास था 2.1 होल क्यूब था, ये पावर 3 थी, 1/5 इज इक्वल टू हो जाएगा यू प्लस डेल्टा यू। और यू आपने कैलकुलेट किया करेंगे तो आपको मिलेगा 2, और डेल्टा यू आपने कैलकुलेट किया है 0.012। तो इसकी जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगी वो आएगी 2.012 आएगी। यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात है कि आप कहेंगे यू की वैल्यू कहाँ से आई, यू की वैल्यू कहाँ से आएगी, आपके पास यू कहाँ पर है, दिस इज यू, यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए, यहाँ आपको यू मिल जाएगा। यू मिल जाएगा 60 प्लस 60 रेज टू पावर 1/5 इज इक्वल टू 2। यहाँ से आपने यू की वैल्यू निकाली है। तो ये आपके पास एक आर्टिकल था, लास्ट आर्टिकल पार्शियल डेरिवेटिव से अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन का। हमने यहाँ पर आराम से डिस्कस किया है, 3 प्रॉब्लम्स लिए हैं, उसकी थ्योरी डिस्कस की। स्टूडेंट्स, आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा है, कंटेंट पसंद आ रहा है, तो चैनल को लाइक जरूर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी आगे बताएं। आज के लिए थैंक यू।